हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे में खाना, जैसे कि तो आपको जानते हैं। लेकिन आज स्पेशल ये है कि आज मैं मिट्टी के बर्तन बनाने जा रही हूँ। जो सोया के पापा बहुत दिन से मिट्टी के बर्तन लेकर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि इस पर मटन बनाना। इसके बाद तो फिर मैंने कई बार नॉनवेज बनाया है और मैंने आपको दिखाया भी है नॉनवेज बनाते हुए, लेकिन मिट्टी के बर्तन पे नहीं बनाया था। मिट्टी के बर्तन इसलिए क्योंकि जोया पापा ने कह दिया था कि मटन बनाना है, लेकिन उन्होंने मना नहीं करा था, कुछ और नहीं बनाना, लेकिन मैंने नहीं बनाया कुछ और। तो अब कल मैंने चिकन की ओनली लेग पीस ही मंगाए थे, तो जोया पापा खुद बोले, कहने लगे इसको ऐसा करना, वो मिट्टी के बर्तन में बनाना। तो मैं मिट्टी के बर्तन बनाने जा रही हूँ, चूल्हा भी ऐसे ही है, तैयारी कर रही हूँ, अभी लकड़ी जलाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कौन सी मिट्टी के बर्तन में मैं आज बनाऊंगी चिकन लेग पीस। ओनली लेग पीस ही बनाने वाली हूँ मैं। मौसम अच्छा हो गया है, सर्दी सुबह शाम की बहुत है और ये नुकसान करने वाली है। हैदर को खांसी आ रही है, जकड़न हो रही है, तो ये सर्दी जो लास्ट जाती है वो नुकसान करती है। मुझे भी हो गया था असर, तो दवा मैं 2 दिन से बराबर खा रही हूँ। और लेकिन सुबह सुबह तेज़ धूप रहती है, बहुत अच्छा मौसम लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी, अभी कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, पानी भी डाल दिया है, अभी ऑन नहीं की है। और यहाँ कपड़े भी धुलते जाएंगे, यहाँ मैं लकड़ी जलाऊंगी और खाना भी बनता जाएगा। रोटी बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि नांद आज मंगाऊंगी, तो नांद और लेग पीस जो बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊंगी मिट्टी के बर्तन पे। तो मैं जा रही हूँ अब तैयारी करने के लिए, अभी आपको दिखाऊंगी मिट्टी का बर्तन। सो गाइस, ये है मिट्टी का बर्तन जिसमें मैं बनाने वाली हूँ लेग पीस। ओनली लेग पीस ही मैंने मंगाए हैं, करीब 1.5 kg, तो वो मैं बनाऊंगी और इस मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी। इसमें खाना बहुत अच्छा सोंधा बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब पहला खाना बनता है, जैसे आज बिल्कुल नया निकाला है मैंने, तो मैं तो शुरू हो गई मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के लिए। और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, लकड़ी जला रही हूँ और भी लकड़ी लाना पड़ेगी, और लकड़ी तो ज़्यादा लगेगी क्योंकि पतली पतली लकड़ी लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं आग जला दूँ और इतनी लकड़ी रख लूँ कि प्यास चल जाए, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तन में। आजकल तो मिट्टी की कढ़ाई सब आ रही हैं, जैसे कि जोया के पापा तो ये हमेशा लेकर आते हैं मिट्टी का बर्तन, और मैं इसी में खाना बनाती हूँ। और 5-6 बार ख़राब हो जाता है, 5-6 बार खाना बनाने के बाद फिर नया ले आते हैं। और आजकल मिट्टी के बर्तन भी सस्ते नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, बहुत कॉस्टली हो गए हैं। और अब मैं यहाँ से निकाल रही हूँ लकड़ियाँ। जो पहला हिस्सा है जहाँ सीढ़ियों के नीचे, वहाँ लकड़ियाँ भरी थी मैंने, वहाँ की लकड़ी सारी ख़त्म कर दी जला जला के। तो अब ये ऊपर रखी हुई हैं, ऊपर की भी ख़त्म करना है, तो बस वहीं से निकाल रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी ख़त्म हो पाएंगी क्योंकि अगले महीने रमज़ान है, फिर तो चूल्हे में खाना बनाने का सवाल ही नहीं होता है। फिर गर्मी इतनी हो जाएगी कि 8 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, या तो फिर सुबह 6 बजे से खाना बनाना शुरू कर दो। तो कोशिश करूँगी कि ये लकड़ी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर ऊपर से नीचे लाना पड़ेगी क्योंकि बरसात होगी तो फिर लेंटर को नुकसान पहुँचेगा इस वजह से। तो फ़िलहाल तो मैं लकड़ियाँ छांट रही हूँ, इतनी लकड़ी निकाल लूँगी कि आज चिकन अच्छी तरीके से पूरा बन जाए। ज़्यादा नहीं निकालूंगी, इधर उधर लकड़ी नहीं फैलाना है, और लंबी लंबी लकड़ियाँ हैं खूब यहाँ पर, तो काफ़ी आसानी है, दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी लकड़ियाँ होती तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करना पड़ती। तो अभी ये है, अभी 2-3 बार ऐसी लकड़ियाँ और निकालना पड़ेंगी, अभी तो मैंने इतनी ही निकाल ली है। इसके बाद फिर और 2-3 बार ऐसी ऊपर से पतली पतली और जैसी भी साइज़ की आएंगी तो वो लकड़ियाँ मैं निकाल लूँगी। सो गाइस, लकड़ी उठा लाई हूँ मैं, आग खूब अच्छी जल रही है आप देख सकते हैं, और अभी प्याज तल रही है। अभी मैंने तेल डाला है, तेल डाल के फिर प्याज डाली है, तो देखिए कितनी बढ़िया आग जल रही है। और अभी लकड़ी इसमें लगेगी, और पतली पतली लकड़ी है इस वजह से यहाँ पर बैठना पड़ता है।
मोटी लकड़ी बचा के रख लेते हैं, बाद में काम आएगी। लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि पेड़ इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं, फिर उनकी छटाई करना पड़ती है, उनकी केयर करना पड़ती है, तो छटाई नहीं करेंगे तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, तो लकड़ी बराबर मिलती रहती है, तो लकड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बस यहाँ ये पूरा इसमें मसाला सारा डाल के पानी डाल के रख दूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के बाद फिर दोनों काम करना पड़ेंगे क्योंकि लकड़ी पतली पतली है, बैठना पड़ता, नहीं तो आग बुझ जाती है। तो अभी तो मैं यही काम कर रही हूँ। और देखिए मिट्टी के बर्तन में आप देख सकते हैं बहुत सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अभी से ही खाली प्याज ही डली है अभी, तो खाना तो आज बढ़िया बनने वाला है। खुशबू तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आ रही है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए धीमी धीमी आंच में, बिल्कुल ही धीमी आंच में बन रहा है क्योंकि लकड़ी सारी लगभग लगभग जल ही चुकी है, और अब ये बिल्कुल हल्के हल्के पकेगा। जितना आप धीमी धीमी आंच में खाना बनाओ उतना ही खाना स्वादिष्ट बनता है। तो अभी तेल नहीं छोड़ा है सही से, अभी इसको तेल और छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल मैंने आग बुझा दी है, लेकिन अंगारे हैं, अंगारों में पक रहा है, ये देखिए कितनी तेज़ अंगारे हैं और तेल भी छूट गया है। तो करीब 10 मिनट और पकाऊंगी मैं वो, तो मिट्टी के बर्तन में सुंदी सुंदी खुशबू उसके साथ, फिर कढ़ाओ वाली खुशबू जैसे शादियों में खाना मिलता है, बस पूरा आंगन खुशबू से महक रहा है। डरा दिया, हम झांक रहे थे आपका हमारा पार्सल। पिन बताएं, पहले स्कैन कर लें उसको। हां वो भी आ गया, पिन पिन है ना। हमको कहा आएगा मैडम 6761। जी हाँ जी जी, आपका पार्सल फ्लिपकार्ट से मोहम्मद अरशदुद्दीन लेके आए हैं, जो आपके छोटे भाई हैं। जी हाँ, थैंक यू भैया, जा रहे ओके टाटा, घर जा रहे कि अभी घर पे ठीक है ठीक। पढ़ लेता हूँ मैं दोस्तों अरबी। ये बता रहा है कि अरबी अच्छे से पढ़ लेते हैं। याद हो गया होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लड़के होशियार होते हैं, वो कह रहे हैं कि लड़के होशियार होते हैं। तो अभी अभी इन लोगों ने अरबी पढ़ी है इसलिए अरबी की बात कर रहे हैं। अभी अभी दयान पढ़ा के गए हैं इन लोगों को अरबी। और कैसा मजा आ रहा है पढ़ने में? पूरा नीचे का पेज पढ़ लिया, दो पेज हो गए। चलिए बच्चे पढ़ने लगे सबसे अच्छी बात है, वो पढ़ा देंगे। और इन लोगों को खूब मजा आ रहा है। और आज मैंने बनाया था चूल्हे में चिकन, आपको दिखाया था, और आपको स्वाद तो मालूम नहीं होगा, स्वाद मेरे बच्चे बताएंगे कैसा बना था। तो बाकी में अच्छा टेस्ट अच्छा था। क्या कर, भूख लगी, आज कोई दिक्कत ही नहीं है, रोटी बन सकती। तो आज मैंने मंगाई थी नान, और नान तो ज़्यादा आ गई थी, तो शाम को रोटी नहीं बनाना पड़ेगी, रोटी नहीं बनाना पड़ेगी, आटा आटा गूंदना पड़ेगा सुबह के लिए, दे दूंगी। और तो जोया कह रही है मुझे लेग पीस दे देना, जोया कम खाती है लेकिन आज मांग रही है, अच्छी बात है। अरे बहुत सारे रखे हैं, आधा दे देना। अरे आप इतने रखे हैं, कल भी खा लोगे आप, लेकिन कल बनेगा क्या, कल क्या बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। ताहिरी तो फिर शाम को क्या होगा, तो उनका मन चल रहा है कि ताहिरी या पुलाव। कल कुछ ऐसा बताओ सादा सा बनाने के लिए, क्या बनाएगा? आलू का भरता, आई थिंक सही। जोया ने बताया आलू का भरता, तो आलू का भरता बन जाएगा ना। आलू का पराठा। बाबू आप चिकन खा लेना, रखा हुआ है। आलू का पराठा खाना है। इनको खाना है आलू का पराठा है। आलू का वो भी खाऊंगा। ठीक है दिन में बना दूंगी आलू का भरता, शाम को आलू का पराठा, ठीक है। आलू का भरता यम्मी होता है। आलू का भरता, आलू का भरता ठीक लगेगा, ये खाने के लिए। क्या खाना है? वो आलू और मिर्च।
अच्छा इनको खाना है मिर्च और उबला हुआ आलू, जो उबला हुआ आलू होता है ऊपर से लाल मिर्च और नमक डाल दो तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे अब मैं बात कर लूँ कि आप अपनी बात कर लो, बताइए क्या करना है। आलू उबला हुआ आप कुछ नहीं खाते हो, उसके साथ मिर्च भी नहीं खाते हो, कुछ भी मैं नहीं वो खाता हूं। क्या आलू का भरता? तो ये आलू का भरता नहीं खाते हो? आलू खाता हूं। ठीक है, ये आलू का भरता खाते हैं, आप कल खाएंगे आलू का भरता। मैंने खाया है। तो गाइस कल हैदर जी आपके सामने खाएंगे आलू का भरता। तो गाइस हैदर जी कल खाएंगे, आप खाएंगे ना कल? खाएंगे ना, क्या खाएंगे? चिकन पीस खाएंगे या आलू का भरता, बताइए। दोनों। ठीक है, आप दोनों दोनों खा लेना। तो डिसाइड हो गया है, कल बनेगा आलू का भरता और होगा तो शाम को फिर आलू का पराठा है। अम्मा वीडियो में टच्चा बोलती है और मुझे मारती है जो वीडियो बंद होने के बाद। झूठे, सच में झूठे। तोबा करिए, गुना पड़ता है, तोबा करिए जल्दी। आपने झूठ बोला ना, गुना पड़ेगा। ये झूठ बोलता है, गंदी बात, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, गुना पड़ता है। तो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, मैं भूल गई, मैं इन लोगों के चक्कर में मैं क्या क्या रही थी। तो आज बहुत ज्यादा टेस्टी चिकन बना और आज मुझे रोटी भी नहीं बनाना पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, बर्तन भी कम है, कम ही बर्तन धोना पड़ेंगे, तो आज काम काफी कम है। अभी मैं देख रही थी मूवी, लेकिन आज मुझे जाने की चक्कर आ रहा है, पता है ये बताने लगे पापा को। तो आज पता नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आज मुझे आ रहे हैं। और आज सबसे अच्छी बात ये थी कि आज मुझे पहली बार गर्मी लगी, सर्दी का जब से मौसम आया है, पहली बार जब मैं चूल्हा जला रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बड़ी खुशी हो रही थी कि गर्मी का मौसम आ रहा है। लेकिन अभी अभी खबर मिली है ना गूगल में और मौसम को देख के कि बारिश हो सकती है, तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो मौसम को जाने कौन सी दुश्मनी है कि अब सर्दी से गर्मी की ओर नहीं आ रहे हैं, ठंडा हो रहा है। लेकिन आज गर्म है, आज ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन जब धूप चली जाती है 3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, क्यों बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। तो हाँ, मैं जा रही हूँ खाना गर्म करने के लिए, अपने हैदर बाबू को खाना दूंगी, हैदर बाबू खाना खाएगा। तो मैं हैदर बाबू को खाना देने जा रही हूँ, जोया खाना खाएगी, तो बच्चे सब खाना खाएंगे, जोया पापा आने वाले होंगे। तो मैं पहले मैं बिस्तर लगाती हूँ, उसके बाद फिर ठीक है, अब थोड़ा सा वेट और कर लो, पापा आ रहे होंगे। तो मैं पहले बिस्तर लगाने जा रही हूँ जोया पापा का, उसके बाद फिर मैं इन लोगों को दूंगी खाना। तो अब सबने खाना खा लिया है, जो बचा हुआ है वो मैं फ्रिज में उठा के रख दूंगी, क्योंकि हैदर को तो ये बहुत पसंद है, जोया पापा भी सुबह खाएंगे, उन्होंने अभी नहीं खाया है, उनका पेट बहुत ज़्यादा फुल था तो उन्होंने मना कर दिया है, तो वो कह रहे थे रख देना मैं सुबह खाऊंगा, तो फिर मैंने इन लोगों के लिए मैंने रख दिया है, अभी लोग सुबह खाएंगे। और सुबह तो आपने सुना ही है कि ये लोग आलू भरता कह रहे हैं, तो कोशिश करूंगी कि आलू का भरता ही बनाऊं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, और शाम को बना दूंगी पराठे। तो आज आपने देखा कि कुरियर देने मेरे मामू का लड़का आया था, जो बहुत ज़्यादा मजाक करता है, और चूल्हे में खाना बनाया, चूल्हे में तो ज़्यादातर बनाती हूँ आपने देखा ही है, लेकिन आज मिट्टी के बर्तन में बनाया और अब ज़्यादातर उसी में खाना बना करेगा। तो सभी आज ज़्यादा काम है भी नहीं, बस जोया के पापा आ गए हैं, तो अब सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि वो चाय पियेंगे, बोल रहे हैं कि चाय पियेंगे, तो किचन भी इतना गंदा नहीं हुआ है, साफ साफ है, बस थोड़े बहुत बर्तन धोने के बाद बस फ्री हो जाऊंगी। तो मैं जोया के पापा से पूछ रही थी कि मैं उनको चाय बना दूं, तो वो कह रहे हैं हाँ चाय बना दो, तो फिर मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी। हॉट पॉट में नांद भी 2 बज गई हैं, मैं उसको भी फ्रिज में रख दूंगी। तो खाना पीना हो गया, बर्तन धुल गए, चाय भी सबने पी ली है, अब मैं रात हो गई तो कपड़े उठाकर रख रही हूँ, वैसे तो इस टाइम उठा कर रख देती थी, गीले थे तो हीट कन्वेक्टर के सामने सूख जाते थे, लेकिन अब तो सारे कपड़े सूख गए हैं, गर्म होने लगा है, दोपहर में गर्म था तो सारे कपड़े सूख गए, एक कपड़ा भी गीला नहीं है, तो बस वही उठा रही हूँ, सब काम हो गया है, आराम से कमरे में जाके टीवी देखूँगी, लेटूँगी, और नींद बहुत तेज़ आ रही है, कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द सो जाऊँ, रात हो गई है और ठंडा मौसम नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, लग रहा था वैसा नहीं है, दोपहर में ज़रूर
जोया पापा बहुत तेज़ सर्दी एकदम लगाई थी, हो जाता है कभी कभी, एकदम सर्दी होने लगती है, एकदम गर्म सा लगने लगता है। तो मौसम ऐसे ही है, एकदम मतलब धूप जाती है ठंडा सा लगने लगता है, फिर हीट कन्वर्टर के सामने बैठो फिर गर्म लगने लगता है। तो अभी मैं बाहर हूँ तो बाहर तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है, नहीं तो फिर मुझे पूरी और शॉल लपेट कर जाती है अच्छी तरीके से, अगर ज़्यादा ठंडा होता, बिना शॉल के मैं बाहर नहीं जा पाती, लेकिन अभी बिना शॉल के भी आराम से बाहर जा सकती हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और नहीं आए तो भी करें। सो बाय बाय।